सो मंदाकिनी वाटरफॉल्स हम लोग पार कर चुके हैं एंड अभी सामने का रास्ता देखिए पूरा स्नो से कवर्ड है। तो 26 किलोमीटर्स और बाकी है डिस्टेंस टिल आवर होटल। गाइस जस्ट ये रोड देखिए किस तरह से घूम रहा है और पूरा बर्फ से कवर हो चुका है। तो छांगू लेक से जस्ट 11 किलोमीटर्स ही हम लोग ट्रैवल करके आगे बढ़े हैं टूवर्ड्स गैंगटॉक, लेकिन आप लोग देख सकते हो कि रोड का कंडीशन बहुत ही ख़राब है, इसलिए अच्छा खासा टाइम भी लग गया। ऑलमोस्ट अभी तो 3 घंटा हो गया है हम लोग ऐसे ही स्नोफॉल में ड्राइव करके आगे बढ़ रहे हैं। प्लस आप लोग देख सकते हो बहुत जगह पर ना हार्ड आइस फॉर्म हो चुका है, तो वहाँ पर गाड़ी पूरा ना फिसल रही है। तो बाहर का कंडीशन देख के तो लग रहा है कि बहुत देर से यहाँ पे स्नोफॉल हो रही है। एंड गाइस यस, ये जो व्यू आप लोग देखते हो ये विंटर्स में ईस्ट सिक्किम का व्यू है। सो प्रीवियस एपिसोड्स जो लोग फॉलो अप किए हो उनको पता है कि मंदाकिनी वाटरफॉल्स का व्यू कैसा था जब हम लोग बढ़ रहे थे नाथुला पास फिर बाबा मंदिर की तरफ। सो मैं लिंक भी इवन शेयर कर रही हूँ, यू कैन चेक इट आउट। सो गाइज जैसा कि आपको पता है कि हम लोग एडवेंचर से भरी जर्नी पे निकले हैं एंड ये बहुत ही अनोखा है। सो हम लोग की नेक्सॉन आधे से ज़्यादा बर्फीले रास्तों को पार कर चुकी है। बाहर पूरा विंटर वंडरलैंड बना हुआ है एंड बर्फ पूरा ताज़ा है, सफ़ेद रंग की दुनिया बहुत ही शांत लग रही है बाहर। लेकिन गाइज इन हालातों में भी ड्राइविंग करना ये एक अलग ही लेवल का गेम है। सो गाइज अगर आप लोग भी पर्सनल व्हीकल से ईस्ट सिक्किम आते हो देन कुछ चीज़ें बहुत ही मैंडेटरी होती है, जैसे आपको परमिट चाहिए। और जो लोग स्नो पे न्यू ड्राइव करने वाले हैं उनके लिए कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स जो कि बहुत काम आने वाले हैं। सबसे पहले सामने वाली कार से सुरक्षित दूरी बनाए रखना एंड और एक इम्पॉर्टेंट चीज़, स्लिपरी रोड्स पर ना रुकने में ज़्यादा समय लगता है। इतना देर कंटिन्यूस हम लोग स्नो पे ही ड्राइव किए हैं तो सबसे चैलेंजिंग सिचुएशन था विजिबिलिटी। सो हैवी स्नोफॉल में ना प्रॉपर विजिबिलिटी मिलना बहुत ही मुश्किल होता है। बारिश अगर तेज़ होती है ना देन वाइपर से पानी पूरा हट जाता है, लेकिन जब स्नो गिरती है ना विंडशील्ड पे बाहर का टेम्परेचर माइनस होने के चलते वहीं पे जम जाएगा कुछ सेकेंड्स में। थोड़ी देर पहले ना इवन वाइपर भी हम लोग का जम गया था स्नो गिरने से। सो इस चीज़ से बचने के लिए हम लोगों ने कार में हीटर ऑन किया था। ऐसे ही स्नोफॉल में ना जब हर तरफ पूरा वाइट वाइट ढका हुआ है बर्फ से ना, फॉग लैम्प बहुत ही काम आने वाला है आपका। स्नोफॉल में येलो लाइट ही इफेक्टिव होती है एंड जितना हो सके विंडशील्ड को आप लोग साफ रखें। সেটাই তো বলছি, আর কিছুক্ষণের মধ্যে তোমার ওই চেকপোস্টটা চলে আসবে যেখানে আমরা পারমিট বানালাম। ওখানে তো আবার নেমে যেতে হবে।
গাড়ি ঘোরাচ্ছে স্টপ।
ডেঞ্জারাস হয়ে গেছে পিছন থেকে, ডেঞ্জারাস হয়ে গেছে। Thank you.